कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को मैं महिलाओं के समुदाय की प्रगति से मापता हूँ। और ये 14 अप्रैल 1942 की फोटो है, जब महिला स्कूल गांधी बाबा साहब बर्थडे से लिख किया था, जब बाबा साहब 50 ईयर्स के हुए थे। ये लोकसभा की फोटो है, जब वही डिबेट कर रहे थे। और ये भारतवर्ष में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, अनेकों महान कार्य किए हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन सभी महापुरुषों में अपवाद हैं। नमस्कार, मैं प्राची। आज मैं आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसी बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतिहास बनाया नहीं, बल्कि इतिहास को बदल कर रख दिया। उस असमानता के इतिहास को जिस पर सदियों से शोषण, अपमान और जलालत की स्याही बिखरी हुई थी, इतिहास के उस पन्ने को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फाड़ कर फेंक दिया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हम बाबा साहेब मेमोरियल पर मौजूद हैं। यहाँ अंदर हम आपको ले चलते हैं, जहाँ बाबा साहेब की जीवन की तमाम स्मृतियाँ आपको नज़र आएंगी, तमाम छवियाँ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और आपको अंदर चल करके उन तमाम छवियों के इतिहास के साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से बाबा साहेब अपने घर पर रहते थे। बता दूं कि ये जो जगह है, यहीं पर बाबा साहेब की रिहाइश हुआ करती थी, यहीं उन्होंने अपने जीवन के पल काटे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बाबा साहेब अंबेडकर के मेमोरियल के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ गाइड हैं कुंदन जी। कुंदन जी, बहुत स्वागत है आपका भोजन टीवी में। हमें अंदर ले चलें और एक एक जो भी यहाँ पर स्मारक है, छवियाँ हैं, उसके बारे में हमें बताते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म स्थल से लेकर के जो उनकी एजुकेशन की तमाम जगहें हैं, उनका यहाँ पर ब्यौरा आपको साफ तौर से नज़र आ जाएगा। सेकंड है मॉडर्न इंडिया, ये 5 फेसिट्स है जो बाबा साहब ने मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूट किया था। पहला है वोटिंग का अधिकार, हालांकि पहले भी वोटिंग का अधिकार था, पर पहले क्या होता था कि वाइफ का भी वोट हस्बैंड ही डालता था। अच्छा। तो बाबा साहब ने बोला ये गलत है। बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी दी, तो इसलिए एवरी ईयर 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बाबा साहब का दिया है वोटिंग का अधिकार। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, प्रीएम्बल, और ये फर्स्ट रिपब्लिक डे जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था ना, इस प्रकार सेलिब्रेट किया जाता है। और पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का, समानता का अधिकार दिया। और ये फैक्ट्री एक्ट है कि जब बाबा साहब 1942-1946 में ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने, तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रिफॉर्म किया कि एक लेबर जो है 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया, जो मैंने स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह जो आप 8 घंटे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ है। और ये हमने मॉडर्न दिखाया है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर है, सी इज अ मार्चिंग इन एवरी फील्ड, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एमएनसीज हो, आज हर क्षेत्र में आप महिलाओं को देख सकते हैं कि अग्रसर है। और ये हॉलो बॉक्सेस में बाबा साहब की ओरिजिनल पिक्स है, कुछ राजगृह की है, कुछ लंदन की है और कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की है, जिसे अब हम सेंट्रल हॉल कहते हैं। दीज आर ऑल द ओरिजिनल पिक्स ऑफ बाबा साहब। एक चीज़ मेंशन कर दूं कि अभी जब हम अंदर मेमोरियल में आएंगे तो ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा, एक स्कैन करने के लिए यहाँ पे बना हुआ है, इस पर आप एक बार अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे, सही बोल रही हूँ मैं? ऐप का नाम क्या है? कुंदन नाम है। अच्छा, नहीं, जो ऐप है डीएनएम ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड करिएगा और यहाँ आकर के जब आप उसे स्कैन करेंगे तो आपको तमाम जानकारी जो है यहाँ पर मिल जाएगी और जो आपको आगे के लिए गाइड करेगी, एज वेल एज आपको हिस्ट्री भी बताएगी। आगे बढ़ते हैं कुंदन जी। ये थर्ड एग्जिबिट है चाइल्डहुड, इसमें हमने बचपन दिखाया हुआ है बाबा साहब का। जैसे कि बाबा साहब वंचित वर्ग से बिलोंग करते थे तो इनका स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, लेकिन जैसे कि इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे तो उनके रेफरेंस से इनका स्कूल में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन इन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जबकि बाबा साहब इन चाइल्ड एज 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ा करते थे, अपने क्लास में अव्वल आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैथ्स के टीचर आया और कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, जो स्वर्ण जाति के बच्चे आंसर नहीं दे पाए और जो बाबा साहब बाहर बैठ के पढ़ रहे होते हैं वो हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, और बाबा साहब ने उसका एक्यूरेट आंसर दिया। बाबा साहब की शादी बचपन में हो गई थी माता रमाबाई से, क्योंकि उस टाइम बाल विवाह प्रचलन में था, 4 अप्रैल 1906 को, जब माता रमाबाई 9 वर्ष की थी और बाबा साहब 15 वर्ष के थे। बाबा साहब को पढ़ने में कितनी रुचि आप देख सकते हैं, सारी स्केचेस इस वीडियो फॉर्म में है। मैं जान सकती हूँ ये स्केचेस कहाँ से बने?
ये मैम हमारे डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर ने कल अपॉइंट किए थे चित्रकला जो चित्रकारी करते हैं तो उन्होंने बनाई है, और ये सारी स्केचेस इस वीडियो फॉर्म में हैं। एंड फर्दर स्टडीज़ कि इनकी पहली अचीवमेंट 1907 में इन्होंने 10th क्लास किया विद फर्स्ट डिवीज़न, 1909 में 12वीं किया विद फर्स्ट डिवीज़न, और 1912 में ग्रेजुएशन किया बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले जाते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनके फादर का स्वर्गवास हो जाता है 2 फरवरी 1913 को रामजी मनोजी शिखपाल का। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करे, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन कलुषकर, उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया कि ये लड़का पढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड का। और आप देखेंगे कि जो बाबा साहब को उस टाइम 11.50 पाउंड पर मंथ मिला करता था वो आज की इंडियन करेंसी में 1,00,000 रुपीज़ होता है जो बाबा साहब को उस ज़माने में पर मंथ मिला करते थे। तो बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस पढ़ने जाते हैं। यस, ये कोलंबिया कैंपस की तस्वीर है। यहाँ फ्रॉम 1913 टू 1916 ही स्टे इन कोलंबिया कैंपस वेर इज एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और यहाँ पर बाबा साहब लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे, और बाबा साहब यहाँ पे 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। यहाँ पे जो इनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था, और एंसिलरी सब्जेक्ट इन्होंने बहुत सारे पढ़ लिए थे, फिलोसफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। और बाबा साहब वाज़ अ मास्टर इन 64 सब्जेक्ट। और 2004 में जब रिसर्च किया गया कि कोलंबिया का बेस्ट स्टूडेंट कौन है तो बाबा साहब का प्रथम नाम आया, इसलिए इनको सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया गया। और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब जैसा छात्र नहीं आया। इसके बाद मैम ये 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजिंग फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा होता है, इनकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है और इन्हें भारत वापस लौटना पड़ता है। जैसे ही भारत वापस लौटते हैं और जैसे कि एग्रीमेंट हुआ था बड़ौदा के महाराज से कि जब आप कोलंबिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर की सर्विस देंगे, तो वो इंडिया आते हैं और गुजरात जाते हैं। मैम पूरा बड़ौदा का सीन है, और ये हैं बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया 11.50 पाउंड का। और आप यस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बाबा साहब पानी मांगते हैं तो पानी नहीं दिया जाता, फाइल मांगो तो फाइल नहीं दिया जाता, फाइल भी फेंक के देते हैं, बस इसलिए क्योंकि बाबा साहब महार जाते से बिलोंग करते थे। देखिए अब पानी फाइल मांगते तो फाइल नहीं, बस इसलिए क्योंकि बाबा साहब यहाँ पे महार जाति से बिलोंग करते थे। यहाँ पर भी अपनी जाति छिपा कर रहते थे, पारसी बता के पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता कि बाबा साहब पारसी धर्म से बिलोंग नहीं करते तो उनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं, और उस टाइम ये भी जाति प्रथा के आगे विवश होते हैं। हालांकि कहते हैं कि मैंने आपको इतने बड़े पद पर बिठाया, ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। तो फिर बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और कहते हैं कि आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड आई विल गो बैक टू मुंबई। तो बाबा साहब रेजिग्नेशन करके मुंबई चले जाते हैं। मैं जान सकती हूँ कि यहाँ पर आप जब अपॉइंट हुए थे तो आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी? क्या मैं ग्रेजुएशन मांगी हुई थी। अच्छा। तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और मुझे जो ट्रेनिंग दी है वो डॉक्टर देवेंद्र सिंह जो एसोसिएट प्रोफेसर उन्होंने दी थी। कितने समय से कर रहे हैं आप? मैम यहाँ मुझे 2.5 साल हो गए। यहाँ तक मैम हमने बड़ौदा दिखाया और उसके बाद ही हमने पारसी धर्मशाला दिखाया है कि जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट तो उनको वहाँ से भी निकालने के लिए जो आते हैं। तो ये उस टाइम की फोटोज़ हैं जी मैम। और मैम ये डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस है जिसमें बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि हम जो हैं प्रथम भारतीय और अंत तक भारतीय ही रहेंगे, हम उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, व्हाटएवर हम जो भी हैं उसके बाद है, लेकिन हमारा जो मेन विजन है वो इंडियन है। इसको रीड करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि ये जो फ्रेज है वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, दैट कॉमन गोल इज द बिल्डिंग ऑफ फीलिंग दैट वी ऑल आर इंडियंस, वी डू नॉट नीड व्हाट सम पीपल से दैट वी आर इंडियन फर्स्ट एंड हिंदूज आफ्टरवर्ड्स और मुस्लिम आफ्टरवर्ड्स। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, आई फ्रेंकली से, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, आई डू नॉट वॉन्ट आवर लॉयल्टी एज इंडियंस शुड बी स्लाइटेस्ट वे अफेक्टेड बाई कॉम्पिटेटिव लॉयल्टी whether that loyalty arises out from our religion or our culture or out of our language. I want all people to be Indians first, Indians last, and nothing else but Indians. जब मैम बाबा साहब बड़ौदा से रेजिग्नेशन दे देते हैं तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के जस्ट बराबर में सियाजी बाग होते हैं, तो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो होम टाउन जाने के लिए बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते हैं। तो मैम ट्रेन कुछ डिले होती है, अप्रोक्स 6 आवर्स डिले होती है, तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के जस्ट बराबर में सियाजी बाग होता है। तो बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद, आई हैड अ कम्प्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया एंड आई हैड वर्क एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी इन अ मिलिट्री अकाउंट ऑफिस, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया गया तो समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा, और मेरा समाज तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो बाबा साहब यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आई विल बिकम अ क्रूजर ऑफ सोशल जस्टिस, कि मैं सामाजिक योद्धा बन के रहूँगा।
तो जो संकल्प लेते थे उस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और ये जो है वो बरगद का पेड़ है, यहाँ पर मेंशन भी है बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास जो है वो बरगद का पेड़ है, उसी की छांव में बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था कि वो सामाजिक न्याय के लिए एक योद्धा बनेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ पर प्रतिमा काफ़ी बड़ी बाबा साहब, ये 10th एग्जिबिट है, ये स्क्रीन पेपर्स और ये बाबा साहब का स्टैचू है। यहाँ पे ये हमारे मेमोरियल में काफ़ी अट्रैक्ट करता है विजिटर्स को। ये कांस ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ब्रॉन्ज इधर से। अच्छा, ये एग्जिबिट 11 है, ये भी कॉलेज ऑफ पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर इवेंट है। और ये सारी इमेज को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। पहला है शामन कमीशन, जब इंडिया में शामन कमीशन आया था तो इसका सबने बॉयकट किया था, लेकिन बाबा साहब ने इसका समर्थन किया ताकि वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल सके, टू गेट ओपन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्राइव क्लासेस। सेकेंड है यरवड़ा जेल, ये पुणे का ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब महात्मा गांधी से मिले और जहाँ पर बाबा साहब ने महात्मा गांधी का अनशन तोड़वाया, जिस अनशन का नाम आमरण अनशन था, जहाँ पूना पैक्ट पास हुआ। थर्ड है विभाजन, बाबा साहब ने बुक लिखी थर्ड ऑन पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया जो 1945 में प्रकाशित हुई, ठीक है। ये गेटवे ऑफ इंडिया ही बम्बई का प्रतीक चिन्ह है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहे और कार्य किया, क्योंकि बाबा साहब राजगृह से बिलोंग करते थे और राजगृह मुंबई में है। तो जस्ट हमने आइकन दिखाया, लाल किला और कनॉट प्लेस ये दिल्ली के दो प्रतिष्ठित स्थान हैं, डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले निकट रहते थे, जैसे कि बाबा साहब का घर हुआ करता था और लाल किला इसी रूट पर आगे है, कश्मीरी गेट भी इसी रूट पे आ गया है। ओके, और मैम ये एग्जिबिट 12 है इकोनॉमिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो रुपयों का बहुत मिसयूज हुआ करता था, तो बाबा साहब ने एक थीसिस लिखी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और 1922 में इनको बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री मिली ग्रेजिंग से। और उस टाइम के जो 10 इंटेलेक्चुअल पर्सन थे ना वर्ल्ड के, उनमें से बाबा साहब का भी एक नाम था, और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। और ये इंडिया के डबल डॉक्टरेट नहीं थे, मेरे ख्याल से साउथ एशिया के भी डबल पीएचडी थे। और ये 1924 में इन्होंने तीन नारे दिए थे वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब कहते थे कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी चेंजिंग इन अ सोसाइटी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एजुकेटेड, यू विल बी एजुकेटेड, देन यू विल बी ऑर्गेनाइज, देन यू विल बी एजुटेड। तो बाबा साहब इस चीज़ को फुलफिल करते थे, और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और जो फंड आया तो उससे बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद में। अच्छा। और ये उस टाइम के मेंबर्स है मिस्टर नाम, यस मैम, ये औरंगाबाद की तस्वीर है मिलिंद कॉलेज की। ओके। और ये मिस्टर नार्वेकर, ये आर्किटेक्ट थे। आमतौर पर आपको नहीं मिलेंगी, काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद में मिली है ये, हमारे डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर ने रिसर्च किया है पूरा, तो उन्होंने पूरा यहाँ पे लगाया है। नहीं नहीं आती मैम, ये मिस्टर नार्वेकर ये आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, अम्बेलियास इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एंड सी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ बाबा साहब डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर एंड राय बहादुर सिंह के बोले, ये सोशल एक्टिविस्ट थे। और ये कमलकांत वासुदेव चित्रे, ही वॉज द रजिस्ट्रार ऑफ सिद्धार्थ कॉलेज एंड वी एच वर्ले इस कॉलेज के रजिस्ट्रार थे, ठीक है। आइए मैम, ये मैम बाबा साहब का प्रथम आंदोलन है महाड़ आंदोलन, एग्जिबिट 14। पहले इस तालाब पर ऊँची जाति के लोग ही पानी पी सकते थे या जानवरों को पानी पीना अलाउ था। जब ये बात बाबा साहब को पता चली तो बाबा साहब 10,000 लोग शायद गए और बोला है नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है, अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं। तो बाबा साहब पहले से इंसान होते हैं जो इस तालाब का पानी अपने अंजलि में लेते हैं और चाव करते हैं, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है। अच्छा। तो इसलिए इसका नाम चावदर तालाब पड़ा, हालांकि नाम पहले से ही पड़ा था। हालांकि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हमें हिंदू जैसे व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता है। और आप पाएंगे कि बाबा साहब पहले से महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और इस पे जो है हमने एक वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सत्याग्रह क्यों किया था। उनका ये कहना था कि वो उस कौम को जगाना चाहते हैं जो कौम अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मेंशन किया था। और इसके ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी है, उसका अध्याय भी था जो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था। ठीक है, आगे। बाबा साहब ने संघर्ष करो का नारा दिया था, कि बाबा साहब कहते थे कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षित रहोगे तो संगठित रहोगे और संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाओगे। तो बाबा साहब संघर्ष समाज में ये मैगजीन लिख कर लाया करते थे, तो जनता समता बहिष्कृतवाद मुक्त न्याय की मैगजीन से बाबा साहब, जिसमें बाबा साहब अनटचेबल्स के अधिकारों के लिए लिखा करते थे कि ताकि हमारा समाज जागे। मुक्त न्याय का ही मतलब है कि वॉइसलेस, कि समाज का अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो मैम, और ये समाज के विभिन्न तबकों के लोग हैं, को भी एक जरिया बनाया था बाबा साहब ने अपनी बात उस तबके तक पहुंचाने के लिए जो तबका बहुत एजुकेटेड नहीं था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं था। यस मैम, ये समाज के विभिन्न तबकों के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के कार्य को, उनके रुझानों को, उनका सेल्फ सेक्रीफाइस, उनका पैशन फॉर डेमोक्रेसी को देखकर इन सभी लोगों ने बाबा साहब का समर्थन किया था।
ये मैम सेकंड मोमेंट है काला राम मंदिर, जैसे कि अर्लियर आई हैड टोल्ड यू ऑन अ फर्स्ट एग्जिबिट कि डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, वे अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते थे, पर पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश निषेध था, तो उसकी एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 लोग जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो ऊंची जाति के लोग जब रामरथ मूर्ति लेके भाग रहे होते हैं तो बाबा साहब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाबा साहब इस आंदोलन में बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से एंट्री दिलवा देते हैं। हालांकि इसमें भी बाबा साहब का 5 वर्षों का संघर्ष होता है इस मंदिर में प्रवेश कराने का, और ये मंदिर आज भी नासिक में है, अब इसमें हर कोई प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये बाबा साहब का दूसरा मूवमेंट था। ठीक है, ये मैम मंदिर में प्रवेश करते हुए जब एंट्री मिल जाती है तो मंदिर में प्रवेश करते हुए, ठीक है, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, मुझे लगता है आमतौर पर आप नहीं देखे होंगे, लेकिन आप देख लें कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो स्ट्रगल किया और उसके बाद मंदिर में प्रवेश मिला, उसकी ये ऐतिहासिक तस्वीर आपके सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें 1933 जब बाबा साहब ने राजगृह बनाया और 1934 फरवरी में रहने के लिए आए, तो उस टाइम की इनकी फैमिली फ़ोटोज़ है। ये डॉक्टर अंबेडकर है और ये इनकी फर्स्ट वाइफ है रमाबाई, और इनके बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई थी आनंद राव, उनकी पत्नी है लक्ष्मीबाई, और उनका भतीजा है मुकुंद राव। राजरतन अंबेडकर इन्हीं के पोते हैं जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के चेयरमैन हैं, और ये यशवंतराव अंबेडकर है, इन्हीं के बेटे हैं प्रकाश अंबेडकर जो बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष है, और इनका फैमिली मेंबर है, इस डॉगी का नाम टॉबी था। और मैम हम लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने अपना राजगृह अपने कलेक्शन के 50,000 बुक्स के लिए बनाया था, जो उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, प्राइवेट लाइब्रेरी। और मैम ये रमाबाई है, लक्ष्मीबाई है, और ये उनके नेबर्स है। बाबा साहब के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी भी थी कि बाबा साहब एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। अच्छा, राइट, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। यस मैम, आइए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब क्यों कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ड्यूटीफुल वाइफ रमाबाई विकेम विकिटम मल न्यूट्रिशन, तो बाबा साहब उनको खूब बचाने की कोशिश की पर वो बच नहीं पाई, और 1935 को उनका निधन हो गया। तो बाबा साहब डिप्रेशन में चले गए और खुद को आइसोलेट कर लिया, और जब वो घर से निकले तो दे फाउंड चेंज अपीयरेंस लाइक अ मॉन्क फॉर्म, तो इनिशियली पीपल आर कॉलिंग हिम बाबा साहब, तभी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम बाबा साहब पड़ा। हालांकि जब मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि जो महाराष्ट्र की फीमेल होती है ना, वो अपने हस्बैंड को साहब कहा करती है, तो माता रामाबाई भी बाबा साहब को साहब कहा करती थी, और बाबा साहब भी प्यार से इसको रामू कहा करते थे। और जब इनकी डेथ हुई तो बाबा साहब डिप्रेशन में गए और आइसोलेट हो गए, और जब वो कुछ महीनों के बाद निकले तो साधु के वेश में निकले, तो जो इनके अनुयायी होते हैं इन्हें देखते हैं और बाबा और साहब ऐड करके बाबा साहब कहते हैं, तभी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम बाबा साहब पड़ा। डॉक्टर इसलिए क्योंकि ही वॉज द PhD होल्डर, राइट। ये 12 मल्टीफेसेट्स है जो बाबा साहब थे मैम, नॉलेज सीकर पार एक्सेलेंस थे बाबा साहब। बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट, और ये उस टाइम के लेटर्स है जो बाबा साहब ने लिखे थे। ये एलिफेंस्टन कॉलेज का है, ये बॉर्न यूनिवर्सिटी का है, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये उनके अटेंडेंस है, इसमें आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे उनका नाम है, और ग्रेजिन की लेटर है, और ये 5 जून 1952 की फोटो है जब कोलंबिया ने बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, कि कोलंबिया के छात्र ने भारत का संविधान लिखा और इंडिया में ग्रेट सोशल रिफॉर्म किया। और 4th डॉक्टरेट की डिग्री उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दिया, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की, तो बाबा साहब के पास 4 डॉक्टरेट की डिग्री थी। हालांकि इनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, BA, MA, MSc, PhD, DSc, LLD, DLit, बैरिस्टर एट लॉ, और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान भी था, और ये दोनों हाथों से लिखा भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब जिस बुक को अगर पढ़ लेते थे आप उस बुक में ये पूछ सकते थे 250 पेजेस में कौन सा कंटेंट है, बाबा साहब उसका एक्यूरेट बता सकते थे, बाबा साहब का माइंड इतना साफ था। आइए मैम, असाधारण शास्त्री मैम, जब इंडिया में बाबा साहब असाधारण शास्त्री भी थे, बाबा साहब के थीसिस पे रिजर्व बैंक बना, और इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक इशूज किए, जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म, करेंसी बुलॉन, टैक्सेशन पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इन सब पे काम किया, तो बाबा साहब असाधारण शास्त्री भी कहलाए। और देखिए 125 बर्थ एंड श्री नोबेल प्राइज अमृत सेन कितनी अच्छी बात कहते हैं कि इट इज थ्रू एजुकेशन वी कैन टू लिव आउट चेंज द वर्ल्ड, दैट इज द विजन विच बाबा साहब अंबेडकर गिव अस यूनाइटेड फॉर नेशन, कि डॉक्टर अंबेडकर इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब सम्राट अशोक के बाद जो इतिहास में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया था ना, वो बाबा साहब ने किया था। 7 लाख लोग साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिसे दीक्षा भूमि कहते हैं, और जो 5 तीर्थ में से एक तीर्थ है नागपुर दीक्षा भूमि। आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री मैम, जब हमारा देश आजाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई तो बाबा साहब को कानून मंत्री का पद दिया गया। हालांकि मैम जब मैंने देखा कि उस टाइम जितनी भी फाइलें पास हुआ करती थी ना, वो कानून मंत्री के टेबल से ही पास हुआ करती थी, तो बाबा साहब के इंटेलेक्चुअल माइंड को देखकर कानून मंत्री का पद दिया गया। हालांकि जब मैं बाबा साहब के ऊपर पढ़ा तो मैंने पाया कि बाबा साहब वांटेड टू बिकम अ प्लानिंग मिनिस्टर, कि वो योजना मंत्री बनना चाहते थे, और मैम ये अचीवमेंट है बाबा साहब की जो उन्होंने अचीव किया था। 1942-1946 में जब ये ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे, तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रिफॉर्म किया कि एक लेबर जो है 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। पहले क्या होता था कि सेम टास्क है,
मेल और फीमेल सेम वर्क करते बट रेदर देन फीमेल से मेल को ज़्यादा पे आउट होता था। तो बाबा साहब ने बोला गलत है, बाबा साहब ने बोला कि अगर आप आईएएस और एक बॉयज़ आईएएस है तो दोनों को सेम वेतन मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट टू वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब के स्टडी का रूप है सेंट्रल वाटर कमीशन, और जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो इनके पास एडिशनल चार्ज भी था वाटर रिसोर्सेज का, तो इन्होंने कई सारे डैम का कॉन्सेप्ट दिया, दामोदर घाटी परियोजना, सोन परियोजना, महानदी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सारे कॉन्सेप्ट बाबा साहब के थे जो खुली संविधान की किताब के रूप में है। और वी आर कमिंग फ्रॉम दिस गेट इन फ्रंट ऑफ अशोक पिलर, नाउ वी इन साइड दिस मेमोरियल, दिस इज नॉट अ फ्लोर, दिस इज अ लेयर्स, एंड आफ्टर 5 o'clock लाइटिंग म्यूजिकल फाउंटेन हैड गॉन देयर, एंड दिस इज द सिटिंग एरिया, एंड दिस इज द मेडिटेशन हॉल, यस राइट, वो सामने। और इस गेट के सामने सीएम हाउस है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का घर है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ का पूरा इस मेमोरियल का यहाँ पर आप ओके। और मैम ये लास्ट स्पीच है जो उन्होंने कंस्टिट्यूंट असेंबली में दी थी बाबा साहब ने, लास्ट स्पीच। और इस स्टैचू का प्राइस 1 crore है, लंदन से बन के आया था। जब आप इसे टच करेंगे तो ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी, बट वी कैन नॉट टच। और इनके आइज वगैरह, हैंड वगैरह सब मूव करते हैं। और इसमें बाबा साहब यही कहते हैं कि आई फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वर्केबल, इट इज अ फ्लेक्सिबल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड बोथ पीस एंड वर्ल्ड टाइम, इंडीड इफ आई मे से एनीथिंग गो रॉन्ग अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट विल नॉट बी कि वी हैड अ बैड कॉन्स्टिट्यूशन, इसे इंप्लीमेंट करने वाले लोग गलत होंगे। अगर संविधान कितना ही बुरा क्यों ना, अगर अच्छे लोग इसे इंप्लीमेंट करने वाले होंगे तो ये संविधान अच्छा साबित होगा। ठीक है, जो आपने बताया मुझे कि ये लास्ट स्पीच थी बाबा साहब की, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, यहाँ के बारे में बता दें। और इसके पहले कि आप बताइए, मैं पहले मेंशन कर देती हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि ये रियल इमेजेस हैं, और मतलब आप अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये बनाई हुई हैं, किस मटेरियल से बनाई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगती हैं। मैम ये मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर देवेंद्र सर ने अपॉइंट किया था सभी को, तो उन्होंने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया था, तो उन्होंने यहीं पे फायरफॉक्स लगा के मतलब यहीं पे एक वर्क फोर्स लगा दिया था, तो उन्होंने यहाँ पे बनाया इन सब चीज़ों को। केवल सिंगल ये है जो USA से आया, बाकी ये सारा कुछ यहीं पर बनाया, यही इंडिया में ही बनाया मैम। और जब आप इसे टच करेंगे तो ह्यूमन वाली फीलिंग करेंगे आप इसमें, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करते हुए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो साइन करते हुए 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को इंप्लीमेंट होना था एज ए रिपब्लिक डे। और आप देखेंगे कि 26 जनवरी से बाबा साहब का गहरा संबंध रहा है, 26 जनवरी, 26 अलीपुर रोड, 26 नवंबर, और डॉक्टर नेल्सन मंडेला 26 वर्ष तक जेल में भी रहे थे, तो महापुरुषों का कितना बड़ा इंटरलिंक रहा। और ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, प्रथम डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एंड प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये प्रथम हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृता कौर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैम कि इनका कंट्रीब्यूशन, कि आज का जो आप एम्स देखते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन इन्होंने अपनी पर्सनल एसेट्स भेज दी थी कि ऑल इंडिया बनना चाहिए, तो एम्स में पूरा इन्हीं का। और शायद इनके नाम से वहाँ पर OPD भी है, राजकुमारी अमृता कौर OPD वगैरह टाइप का। और इसमें जो विभिन्न धर्मों के लोगों को कॉन्सेप्ट लिया गया है, और ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया है, वो रियल फोटो है वहाँ से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो रियल तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं, और ये उसी का रेफरेंस इमेज यहाँ पर बनाया गया है, ताकि आप देख सकें, समझ सकते कि इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे? फर्स्ट रिपब्लिक डे की फोटो है, जब फर्स्ट रिपब्लिक डे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1950। पहले परेड अंडर द इंडिगेट पास हुआ करती थी, जो अब बैन है, अब हम अर्जवान ज्योति वगैरह बन गए हैं, तो इट वॉज द फर्स्ट। और जो फर्स्ट रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक सुकार्नो थे, तो हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे की फोटो दिखाई हुई है कि उस टाइम कैसे सेलिब्रेट किया गया था, अब तो पूरा मॉडर्न हो गया है। और मैम ये 27 सितंबर 1951 को जब बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, और 28 सितंबर को जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था, ये वही आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और बाबा साहब ऑलवेज सेड दैट। ये रेजिग्नेशन का आर्टिकल है, हम आपको पहले एक बार पढ़ के सुना देते हैं। मिस्टर नेहरू हैज़ एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन फ्रॉम लॉ मिनिस्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर फ्रॉम कैबिनेट एंड हैज़ एग्रीड टू रिलीव हिम फ्रॉम द एंड ऑफ करेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड ऑन October 6th. Dr. Ambedkar intend to remain in Delhi after laying down the reins of ministerial office and help the Scheduled Caste Federation, which he is the friend, guide and philosopher in fighting of elections. इसका जो लबोलुआब है वो क्या है, वो आप हमें एक्सप्लेन करें। मैम इसमें यही दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्म क्वार्टर्स देयर विल बी नो न्यू अपॉइंटमेंट टू द कैबिनेट,
बट द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट द होम एंड लॉ पोर्टफोलियो अमंग द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कैबिनेट द प्रेजेंट इंडिकेशन आर दैट द फूड मिनिस्टर मिस्टर के एम मुंशी हु हैज ऑल्सो अनाउंस दैट ही विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन विल हैव एडिशनल चार्ज ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री कि बाबा साहब ने जो कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है वो हम अपने कैबिनेट के ही मेंबर से लेके वो वाला डिपार्टमेंट उनको दे देंगे तो मिस्टर के एम मुंशी को अपॉइंट किया गया था एज अ सेकेंड लॉ मिनिस्टर कोई नया मेंबर नहीं वही कैबिनेट से एक मेंबर तो यही ये लिखा हुआ है इसमें कारण भी आप हमें बता दीजिए कि बहुत से लोगों को अभी कारण भी नहीं पता है कि उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया मैम रेजिग्नेशन हिंदू कोड बिल पास होने की वजह से नहीं दिया था क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो वो ह्यूमन एम्पावरमेंट के फेवर में रहते थे वो चाहते थे कि आज कोई भी जेंडर इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए महिलाएँ भी जो चीज़ मेंस कर सकते हो महिलाएँ भी कर सकती है आज आप देख सकते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर है चाहे वो सिविल सर्विसेज हो चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे एमएनसीज हो चाहे आप कहीं भी देख लीजिए आज महिलाओं का सीजा मार्चिंग इन एवरी फील्ड और जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि वो किसी भी कौम की का जो विकास है वो इस चीज़ से मापते हैं कि उस कौम की महिलाएं कितने अग्रसर हैं उस कौम की महिलाएं कितना विकास कर चुकी हैं इस चीज़ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा जहन में रखा और उसके लिए काम भी किया बाबा साहब ऑलवेज सेड दैट कि द मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड और मैम ये 14 अप्रैल जब ये मुंबई की फोटो है कि जब बाबा साहब 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं तो 18 नवंबर 1951 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है जिसमें स्पेशली इनवाइटेड होते हैं डॉक्टर अंबेडकर एंड मिसिज अंबेडकर तो अचानक राय बहादुर सीके भोले आते हैं और वो कहते हैं कि मैं कहाँ बैठूँ तो सीट नहीं होते हैं तो बाबा साहब फनी मूड में होते हैं और वो कह देते हैं कि आप मेरी गोद में आके बैठ जाइए तो मैम वो रियल में आके बैठ जाते हैं तो उनकी सेकंड वाइफ देखते हैं तो सुनने लग जाती है बाद में बाबा साहब उधर देख रहे होते कहते हैं ये वजन कैसा है तो देखते बैठे हुए होते हैं तो इनको सीट दिला देते हैं लेकिन तब तक इनके अनवाइन की फ़ोटो क्लिक कर लेते तो मैम उस टाइम की फ़ोटोज़ है और मैम ये सिद्धार्थ कॉलेज की फ़ोटो है जब वो हिंदू कॉलेज पर एड्रेसिंग कर रहे थे और मैम ये अनडिवाइडेड बिहार की फ़ोटो है धनबाद की जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो वहाँ वो गए और लेबरों से हालचाल पूछा कि तुम्हें सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती तुम्हारे वर्किंग आवर्स क्या है और मैम मैंने जो पाया कि इस मेमोरियल में केवल यही एक ऐसी फ़ोटो है जो हार्डिंग एवेन्यू की है जब बाबा साहब कानून मंत्री थे ये डॉक्टर अम्बेडकर है और ये इनकी सेकेंड वाइफ है डॉक्टर सविता अम्बेडकर और ये इनके कुक थे सुदामा इसके पीछे भी मैम एक स्टोरी है होता क्या है कि जब इनका जन्म होता है तो इनकी माता का देहांत हो जाता है सुदामा जी का तो जो इनके फादर होते हैं वो सुदामा को बाबा साहब के चरणों में ला के रख देते हैं और कह देते हैं कि बाबा साहब आप ही इसके कर्ता धरता है तो बाबा साहब इसे पढ़ाते हैं पर ये पढ़ने में अच्छे नहीं होते लेकिन खाना अच्छा बनाते थे तो ये रसोईया बन गए थे इनकी फैमिली से मैं मिला हूँ इनकी फैमिली आज भी स्टिल हौसखास में रहती है और इनके जो पीए थे नानक चंद रत्तू उनकी बहू शशि चंद रत्तू आज भी पश्चिम बिहार में रहती है और इनके जो चौधरी देवीदास के बच्चे थे जो सम्यक प्रकाशन चलाते वो पश्चिमपुरी में रहते हैं राय सिंह प्रधान की डॉटर शहादरा रहती है और पूरन चंद की डॉटर वसंत कुंज रहती है तो इन सभी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं बाबा साहब के बारे में जाना काफ़ी कुछ तो स्पेशली थैंक पता चले बाबा साहब को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद बाबा साहब सबसे ज़्यादा नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते थे उनको झींगा मछली काफ़ी पसंद थी झींगा मछली और वेज में बाबा साहब को घिया काफ़ी पसंद था घिया भी काफ़ी खाते थे बाबा साहब और पाव भाजी वगैरह भी बाबा साहब को काफ़ी पसंद था हाँ ये सारा कुछ पसंद था बाबा साहब को यहाँ से आप नीचे जाएंगे नीचे भी आपको बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सी स्मृतियाँ नज़र आएंगी ये रास्ता मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और ये रियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका है बहुत लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश रियल जो इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है और ये हमने वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन दिखा हुआ है कि जब आप ओरिजिनल देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ठीक है आइए और मैम ये डॉक्टर अंबेडकर हैं और ये एस एन मुखर्जी ही वाज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और सी वाज द ओनली मुस्लिम वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एजाज रसूल बेगम और जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला क्यों ना इसका डेकोरेशन किया जाए तो इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रजादा को अपॉइंट किया ही वाज द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन कॉलेज तो जब इनको अपॉइंट किया गया तो इन्होंने 6 मंथ का समय लिया और 432 नींव का इस्तेमाल किया और जब इन्होंने लिख के तैयार कर दिया तो स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इसके उपलक्ष्य में आपको क्या चाहिए तो देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि नॉट अ सिंगल पेनी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव ऑल द थिंग्स एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई लाइफ बट आई हैव वन रिजर्वेशन ऑन दैट एवरी पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई विल राइट मैंने मतलब इन माई ग्रांड फादर नेम कहते दादाजी का नाम क्यों कहते कि आज जो मैं कैलीग्राफी कर पाया हूँ ना तो सिर्फ मैं अपने दादाजी की वजह से ही कर पाया हूँ तो गवर्नमेंट हैड परमिशन फॉर दिस और आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने पे इनके नाम है अच्छा। तो गवर्नमेंट और आप देखेंगे कि जो स्टेम इन्होंने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल लिखा था अब एमएस वर्ड में इटैलिक फॉन्ट है जो स्टेम इन्होंने अपने हाथों से लिखा वर्ड में इटैलिक फॉन्ट फॉन्ट है
और मैम ये जो चित्रकारी आप देख रहे हैं चरण लाल बोस और उनकी पूरी टीम ने किया था। ये वेस्ट बंगाल से थे और प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा शांति निकेतन से थे, जो आपको 22 भाग में दिखेंगे। आइए मैम, ये प्रियम्बल है बहुत लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मैम हमने इसमें 5000 वर्षों का इतिहास दिखाया हुआ है, मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। और ये यहां से स्टार्ट होता है, ये प्रियम्बल है ना, बहुत लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। और आप देख सकते हैं कि बाबा साहब कितने बड़े देशभक्त थे कि जो पहले ही कह देते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे ही उनकी देशभक्ति झलकती है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे। आप कह सकते हैं कि इंडिया में ना दो इंजीनियर थे जिन्होंने एक एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश सारे राज्यों को एक एकजुट किया और एक नेशन बनाया, और उसको देश को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए था ना सॉफ्टवेयर, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर। और ये 22 भाग है जिसमें आप देखेंगे कि इसमें ये मोहनजोदड़ो की फोटो है, ये वैदिक आश्रम प्रमुख गुरुकुल पर, यस यस, ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा की है। और ये वैदिक आश्रम प्रमुख गुरुकुल की फोटो है, ये रामायण की फोटो है, ये महाभारत की फोटो है, ये बुद्धा लाइफ है, ये महावीर लाइफ है, और ये स्प्रेड अप बुद्धिज्म है, डेवलपमेंट डिफरेंट फेसेस, और ये विक्रमादित्य कोर्ट, और ये नालंदा विश्वविद्यालय। उस टाइम के तीन प्राचीन विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, तो नालंदा की है। और शन स्कल्पचर, नटराज की फोटो, और ये जब गंगा का अवतरण हुआ था उत्तराखंड उसकी फोटो है, ये पोर्ट्रेट मुगल आर्किटेक्ट अकबर की फोटो है, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, टिप्पू सुल्तान, बापूजी, बापूजी पीसमेकर, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय, डेजर्ट और ओशन। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 पार्ट 21 में डिफाइन है जो टेम्प्रेरी प्रोविजन था जिसे अब रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, आइए मैम, यहाँ पर उसको मेंशन भी किया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आर्टिकल 370 यहाँ पर मेंशनड है। और पूरे जो भारत की हिस्ट्री है उसको समाहित कर दिया गया है इस प्रीएम्बल के जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, पूरा जो भारत का इतिहास है वो यहाँ पर समाहित है। ये जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया तो हैंडओवर करते हुए प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी, बिकॉज ओके प्लीज कम। यहाँ अब हम एंटर कर रहे हैं, ये जो जगह है ये वही जगह है जहाँ बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। yes. आगे की जानकारी हमें आप बताइए। यस, बुद्धिज्म का पार्ट है जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1954, ये रियल क्लिप है बाबा साहब के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए, जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो अप्रॉक्स 7 लाख फॉलोअर्स आते हैं, तो बाबा साहब सभी से पूछते हैं कि कौन कौन धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो सभी एक साथ हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि हम सभी परिवर्तित होना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने हालांकि 13 अक्टूबर 1935 को नासिक केवला में कह दिया था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है पर मैं हिंदू धर्म में हरगिज़ नहीं मरूंगा, क्योंकि बाबा साहब चाहकर भी शोणों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म अपनाया, जो आप देख सकते हो। और मैम ये बाबा साहब से संबंधित पंच स्थान है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनके पंच स्थानों को पंचतीर्थ कहा गया। यू कैन से कि द टर्म पंचतीर्थ वॉज फर्स्ट यूज बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर प्लेसेज। फर्स्ट इज नागपुर दीक्षाभूमि वेयर बाबा साहब वॉज कन्वर्टेड बुद्धिज्म। यहाँ तक की जो तस्वीरें हैं वो आपने देख ली हैं, मुझे लगता है यहाँ से जो तस्वीरें स्टार्ट होती हैं वो उनके महापरिनिर्वाण की हैं, राइट? हाँ, राइट, महापरिनिर्वाण की है। आप देख सकते हैं महापरिनिर्वाण की फाइव रियल डेथ पे के बाबा साहब किसी घर की है, और इनके ड्राइंग रूम की फोटोज़ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये इनके पीए हैं नानक चंद्र रत्तू, और ये हैं सोहनलाल शास्त्री। और यहाँ तक हमने फोटो दिल्ली की दिखाई है, और इसके बाद ये हमने मुंबई की फोटो दिखाई है कि इनके अंतिम दर्शन को मुंबई में 10 लाख लोग आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उस टाइम कोई मीडिया, कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं था, तो इनके अंतिम दर्शन को 10 लाख लोग आए। 10 लाख लोग, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ है वो साफ तौर से नज़र आ रही है आपको यहाँ पर। और मैम इनके मरणोपरांत 34 वर्ष बाद इनके सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर को बाबा साहब का भारत रत्न दिया गया, और ये वीपी सिंह के गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट थे रामस्वामी वेंकटरमन, और ये डॉक्टर सविता अम्बेडकर, इनका जो ओरिजिनल भारत रत्न है वो आज भी सिम्बोसिस पुणे में रखा हुआ है। होता क्या है मैम कि जब डॉक्टर सविता अम्बेडकर को लगता है कि मैं ज़्यादा जीने वाली नहीं हूँ, तो ये एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखती है कि जो बाबा साहब सामान इस्तेमाल करते थे उसे आप प्रिजर्व कर लीजिए, तो किसी कारण से वो डिनाई कर देते हैं, तो ये एक लेटर सिम्बोसिस के प्रिंसिपल को लिखती है जिनसे इनकी जान पहचान होती है, इनकी फ्रेंड होती है, तो वो कह देती है ठीक है यू कैन कीप इट अप। तो इनका ओरिजिनल सामान और इनका ओरिजिनल भारत रत्न आज भी सिम्बोसिस में रखा हुआ है। हालांकि आप देखेंगे कि जो सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी बनी है ना वो बाबा साहब के लैंड पर ही बनी हुई है। ओके, मुझे कुछ स्मारक नज़र आए थे बाबा साहब की, वो यहाँ पे हैं क्या? महापरिनिर्वाण भूमि,
ये मैम लाइब्रेरी है बाबा साहब की, जहाँ बाबा साहब पढ़ा करते थे, ही यूज़ टू स्टडी हेयर। और ऑल थिंग्स आर रेप्लिका मैम, ये बुक्स भी जो है ये डमी हैं, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जो बुक्स हैं इनके मिलिंद और सिद्धार्थ कॉलेज में है, हमने ये डमी दिखाई हुई है, डमी क्रिएट की हुई है। और बाबा साहब की जो डेथ हुई थी 5:40 मॉर्निंग हुई थी, तो हमने घड़ी रोक के दिखाई हुई है, ठीक है। और बाबा साहब के समकालीन एक ही चीज़ है, वो बुद्धा स्टैचू, जो बाबा साहब के टाइम का है। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब वायलिन बजाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो बाबा साहब ने कंटिन्यू 2 घंटे वायलिन बजाया था उनके दुख में, ठीक है। और सारे हमने रेप्लिका दिखाई हुई है पूरा, कि बाबा साहब कैसे सामान इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पर जो टाइपराइटर है, ये सब भी रेप्लिका है, ओरिजिनल जो है नागपुर के चिंचोली में है। अच्छा। ओके। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है मैम, कि बुक्स वगैरह के कि होता क्या है, जब हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि हम ऐसा कि मेमोरियल बना रहे कि कुछ बुक्स हमें दे दीजिए, तो किसी कारण वो डिनाई कर देते हैं। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं रियल बुक की कवर पेज की फोटो क्लिक करते हैं और वैसे ही रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं, तो ऑल आर डमीज। और ये जो कॉपी है, ये सब भी मैम रेप्लिका है। मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर लोग आकर के मेडिटेट वगैरह भी करते हैं। यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, PhD स्टूडेंट्स आते हैं, और क्या ना यहाँ के आसपास के जितने भी हैं सभी आते हैं यहाँ पे मेडिटेट करते हैं। यहाँ पे जब मेडिटेट करते हैं बुद्धा के सामने होते हैं, उनको एक अलग ही सी फीलिंग आती है यहाँ पे। तो अब हम बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल के लास्ट एग्जीबिशन के पास मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था उसकी यहाँ पर आपको छवि मिल जाएगी। यहाँ पर आप बुद्ध की प्रतिमा भी देख सकते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर लोग आकर मेडिटेशन भी करते हैं। बौद्ध धर्म को आप सभी जानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिल के बेहद करीब था बौद्ध धर्म, क्योंकि समता और मनुष्यता दोनों ही वो तर्क थे जिसकी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे। और इसी वजह से ये जगह बेहद ख़ास मानी जाती है बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल के लिए। यहाँ पे हम इस बुद्ध की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के बारे में हम आपको ख़ास बात बता दें कि ये जो प्रतिमा है ये सिंगल स्टोन की बनी है। यानी इसके पहले जब इस प्रतिमा को इंग्रेव नहीं किया गया था तो ये सिंगल स्टोन था, और उसके बाद इसकी इंग्रेविंग की गई है और ये प्रतिमा बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि इस प्रतिमा की कीमत 1 करोड़ रुपए है। यहाँ पर आकर लोग मेडिटेशन करते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल का बाहरी हिस्सा है जिसके बारे में हमें कुंदन जी और गाइड करेंगे। ये अशोक पिलर्स हैं। अशोक पिलर्स जो महात्मा बुद्ध के अंदर टाइम पे, जैसे अशोक ने जैसे धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो जस्ट हमने ये भी सिंबल टाइप का दिखाया हुआ है, ठीक है। और आगे भी पिलर है। हाँ, आगे भी सेम पिलर है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल मालाएं यहाँ पर जो है वो डेकोरेशन की जा रही है। और ये हमने बाबा साहब का स्मारक बनाया हुआ है यहाँ पे। 14 अप्रैल के दिन, 6 दिसंबर के दिन काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब की डेथ भी इसी जगह हुई थी, तो इस जगह को हम महापरिनिर्वाण भूमि भी कहते हैं। ऐसा होता है कि बौद्ध धर्म में अगर किसी की डेथ होती है तो उसके मृत्यु दिवस को परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है, और बाबा साहब तो महापुरुष थे तो इसलिए इसके दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है आज? यहाँ पे जैसे कि दिल्ली के BJP अध्यक्ष आने वाले हैं, अदेश कुमार गुप्ता जी, वो बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और यहाँ पे आज 11,000 दीयों का क्या मतलब, 11,000 दिए बाबा साहब की याद में जलाए जाएंगे। सो आप देख सकते हैं। और बाबा साहब मैन आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसलिए जो मेमोरियल है आप देख सकते हैं एज अ ओपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक शेप है। ये मैं एक बार यहां से तस्वीर आपको दिखा
दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं साइट का हिस्सा है ये, और मुझे लगता है कि ये संविधान के पन्ने हैं। ये संविधान के पन्ने हैं, ये कोई फ्लोर्स नहीं है, लेयर्स है ये। अच्छा। ठीक है, लेकिन लोग जो आते हैं काफ़ी अचंभित हो जाते हैं, कहीं ये फ्लोर्स तो नहीं है, फ्लोर्स नहीं है, ये लेयर्स है। एज ओपन इन कॉन्स्टिट्यूशन बुक शेप दिखाया गया है। ये इसको बनाया किस चीज़ से गया है? एल्युमिनियम है क्या? यस मैम, एल्युमिनियम है ये। ओके, हम आपको पूरा यहाँ तस्वीर दिखा देते हैं, ये बाहरी हिस्सा है। और मैम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, सब चीज़ फ्री है, यहाँ पे आप ऐसे विजिट कर सकते हैं, कोई चार्जेबल नहीं। डेज में यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं? मैम अराउंड 200 पीपल पर डे आ जाते हैं, लेकिन कोविड पर डे, कोविड से पहले यहाँ पे 500-600 पर डे आते थे। फिलहाल हमारे साथ SV1 खेड़े जी मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल के इंचार्ज भी हैं। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, जो कि आज बाबा साहेब की जयंती भी है। अभी द वायर में एक रिपोर्ट छपी थी जिसकी हेडलाइन ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने की जगह उन पर फूल मालाएं चढ़ाने की जो एक प्रक्रिया, एक प्रचलन स्टार्ट हो गया है कि आप उनकी पूजा करें लेकिन उन्हें पढ़े ना, तो इस तरह का एक रिपोर्ट आया था। तो आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब को कितने लोग पढ़ने आते हैं और कितने लोग पूजने आते हैं? बाबा साहब को तो पढ़ने भी आते हैं, पूजने भी आते हैं, दोनों के लिए आते हैं। ज़्यादा जरूरी यानी पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी था, क्योंकि बाबा साहेब को पढ़ करके आपको पता चलेगा कि उनकी विचारधारा क्या थी, वो क्या सोचते थे। विचारधारा जो बाबा साहब ने दी वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट की है, और उसी के वजह से बाबा साहब का इतना नाम और अवार्ड सम्मानित किया गया। बाबा साहब कितने साल से हैं यहाँ? मैं अभी 2 सालों से हूँ।